कोरोना का कहर सोलन शहरवासियों के साथ साथ गांव वासियों पर भी टूट रहा है, जिसके चलते सभी मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा नेता शहर हो या गांव, घर घर जाकर लोगों का कुशल क्षेम जान रहे हैं। वे अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, ये जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये अभियान भाजपा सोलन मंडल के कोषाध्यक्ष योगिंदर बेना के माध्यम से चायल और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा कोरोना रोगियों का कुशलक्षेम जाना गया और उनकी समस्याएं भी सुनी गई। भाजपा कोषाध्यक्ष योगिंदर बेना ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वर्णिम 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया गया है जिसके उपलक्ष्य में उनके द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा जो गांववासी कोरोना पॉजिटिव हुए थे उनका कुशलक्षेम जाना जा रहा है। इसके अलावा उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और आइसोलेशन किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता कोरोना रोगियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे जल्द स्वस्थ हों और वे अपने आप को अकेला या असहाय महसूस न करें। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के स्वर्णिम 7 साल की जो सरकार है, उनके जो कार्य हैं उसके स्वर्णिम 7 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में आज हम ग्राम पंचायत चैल और झाझा में जो है मंडल स्तर पे जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, हम घर घर जाके जो हमारे लोग हैं कोरोना पॉजिटिव उनका हालचाल जाना और लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में उनका कुछ क्षेम पूछा। और साथ ही आज हमारे साथ जो है युवा मोर्चा से पंकज ठाकुर और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा श्री राजीव शर्मा जी, ग्राम पंचायत चैल के प्रधान, सभी लोगों ने मिलकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और जितने हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स और बैंक्स जितने भी लोग हैं सबका हालचाल जाना, और जिसमें जो है हमने लोगों को आइसोलेशन किट और मास्क, सैनिटाइजर वगैरह इत्यादि वितरित किए।